सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से बिग बॉस सीजन 12 का आज का एपिसोड आपने मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज था बिग बॉस सीजन 12 का आखिरी वीकेंड का वार और यहां पर शुरुआत होती है डे 97 की सुबह के साथ, जहां पर बजता है एक एनर्जेटिक गाना और ये घर वाले इस गाने पर नाचते गाते झूमते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वीकेंड का वार में एंट्री होती है सलमान खान की और साथ ही साथ फिल्म सिम्बा के स्टार कास्ट यानी कि रणवीर सिंह, सारा अली खान और मूवी के डायरेक्टर रोहित शेट्टी की। इन तीनों की एंट्री बेहद खास होती है। यहाँ पर सलमान खान सबसे पहले रणवीर को उनकी शादी की मुबारकबाद देते हैं और फिर वो कहते हैं कि आपकी फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर नहीं आए, तो वो बताते हैं कि आए हैं ना, और फिर वो करण जौहर की एक बड़ी सी तस्वीर लेकर आते हैं और स्टेज पर लगा देते हैं। इसके बाद सलमान खान ये कहते हैं कि करण जौहर बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ कॉफी विद करण करते हैं, आज हम इनके साथ एक चैट शो करेंगे और करण जौहर का किरदार निभाएंगे रणवीर सिंह। यहाँ पर पहले राउंड का नाम होगा नहीं कभी नहीं। यहाँ पर जाऊं का पहला सवाल सारा अली खान उनसे पूछती हैं कि क्या आप कभी झूठ मूठ में रोए हैं, तो यहाँ पर रणवीर सिंह प्रॉपर करण जौहर स्टाइल में ये जवाब देते हैं, नहीं कभी नहीं, मैं कोई बिग बॉस का कंटेस्टेंट नहीं जो झूठ मूठ में रो। हाँ, जब मैंने बॉम्बे वेलवेट देखी थी तब मैं रोया था। हाँ, फिलहाल आप लोग ऑडियंस हंस रहे हो, लेकिन जब आपने बॉम्बे वेलवेट देखी होगी तो आपका भी रोना आया होगा। इसके बाद सलमान खान उनसे ये सवाल करते हैं कि जब राधा तेरी चुनरी गाना बजता है तो आपको झटके लगने शुरू होते हैं, तो वो साफ तौर पर इनकार करते हैं नहीं। तो इस पर रोहित शेट्टी बजाते हैं सीटी और फिर बजने लगता है ये गाना और फिर रणवीर सिंह झटकेदार डांस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद सलमान कहते हैं अब आप जाएंगे बिग बॉस के घर के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस ने घर वालों को दिया था एक टास्क, रैंकिंग टास्क, जहाँ पर इन घर वालों को आपसी सहमति के साथ पूरे सीजन का निचोड़ निकाल कर सात घर वालों को देनी थी 1 से लेकर 7 तक की रैंकिंग, जहाँ पर दीपिका कक्कर की रैंकिंग को लेकर घर वालों के बीच में मतभेद नजर आया, क्योंकि सभी घर वाले चाहते थे कि दीपिका को मिले 7th रैंकिंग, लेकिन दीपिका इस बात से इनकार करती हुई नजर आई और कहा कि आपने कहा कि मैं हमेशा श्री भाई के लिए खेलती हूँ, आपने कहा कि मैं घर वालों के साथ घुलती मिलती नहीं हूँ। तो ये बात सभी जानते हैं कि जब दीपिका के पास कोई हेल्प लेने के लिए आया है तो दीपिका ने कभी मना नहीं किया है, और इस तरह से यहाँ पर घर वालों के बीच में प्रॉपर मतभेद नजर आता है और रैंकिंग डिसाइड करते करते इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। इसके बाद सलमान खान घर वालों से बाय द टीवी मुलाकात करते हैं, सात फाइनलिस्ट को कंग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पर डांट फटकार का सिलसिला शुरू हो जाता है। सलमान खान रोमिल चौधरी से कहते हैं कि जब फायर ब्रिगेड टास्क हुआ था तो आपने 4 लोगों की एक टीम बनाई थी, तो टीम बनाने का फायदा क्या हुआ, आखिर आपने उन 4 लोगों की टीम बना के उखाड़ क्या लिया, जीता तो एक ही, बाकी सारे तो नॉमिनेट हो गए। पर इस बात को लेकर उन्हें काफी खरी खोटी सुनाते हैं कि मास्टरमाइंड होने का तुम्हें फायदा क्या हुआ जब तुम ही दावेदारी हासिल ना कर पाए, और यहाँ पर रोमिल चौधरी अपनी गलती मानते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बिहेवियर और अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करूंगा, तो सलमान कहते हैं फायदा क्या है तुम्हारी सुधार का, अब तो फाइनली आ गए हैं, और इस तरह से सलमान खान उन्हें डांट फटकार लगाते हैं। इसके बाद सलमान खान कहते हैं कि आप लोग चुनाव कीजिए उस सदस्य का जो अब तक का सबसे बड़ा दोषी है और जिसे जाना चाहिए बिग बॉस सीजन 12 के लास्ट वीकेंड का वार के टॉर्चर रूम में। तो यहाँ पर घर वाले पुरानी बातों को याद करते हुए उस एक सदस्य का नाम लेते हैं और वो सदस्य इस बात से तो सभी वाकिफ है कि वो कौन है, यानी कि सुरभि राणा, और सुरभि राणा जाती हैं टॉर्चर रूम में और वहां पर सहन करती हैं टॉर्चर। इसके बाद सलमान खान सारे घर वालों से ये कहते हैं कि अभी जो सुबह घर में टास्क हुआ था उसके हिसाब से आप ये पता लगा सकते थे कि विनर कौन होगा, दैट वाज सो सिंपल। तो इस पर सलमान खान ये कहते हैं कि सुरभि राणा अब आप हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से नंबर 1 पोजीशन पर कौन होना चाहिए था, तो यहाँ पर वो सीधा नाम लेती हैं दीपिका कक्कर का और कहती हैं कि उनकी सूझबूझ, सामने उनका पक्ष रखना, उनका व्यवहार, उनके गुण, ये सभी उन्हें एक विनर बनाने के लिए सक्षम बनाते हैं। सलमान खान सुरभि से ये कहते हैं कि सुबह 7 पे और अब सीधा नंबर 1 पे, विनर ही बता दिया। तो इस पर सलमान कहते हैं कि क्या आप दीपिका सुरभि की इस बात पर सहमति जताती हैं, तो दीपिका साफ तौर पर इस बात से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि नो सर, क्योंकि मैं जैसे स्टार्टिंग में थी, जैसे पहले दिन थी, वैसी आज हूँ, मुझ में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और यहाँ पर फिर से सुरभि राणा अपना पक्ष सामने रखने लगती है कि उन्होंने क्यों ये कहा कि वो पहले नंबर 7 डिजर्व करती थी और अब क्यों नंबर 1 होना डिजर्व करती है। तो सलमान ने कहा कि आपके हिसाब से आपकी पहली वाली बात सही थी या अब वाली, तो वो कहती है कि अब वाली बात सही है कि नंबर 1 डिजर्व करती है दीपिका कक्कर। इसके बाद बिग बॉस के घर में एंट्री होती है सिम्बा के स्टार रणवीर सिंह और सारा अली खान की उनकी फिल्म के गाने लड़का आंख मारे के साथ, जहाँ पर ये कुछ डांस
कजन्स के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं और ये घर वाले उन दोनों को देखकर काफी खुश नजर आते हैं और फिर वो दोनों इन दोनों से मुलाकात करते हैं और साथ ही यहाँ पर ये दोनों करते हैं एक डांस परफॉर्मेंस और उन दोनों की डांस परफॉर्मेंस काफी धमाकेदार होती है और सारे घर वाले भी उनकी इस डांस परफॉर्मेंस को काफी इंजॉय करते हुए नजर आते हैं और साथ ही यहाँ पर वो झूमते नाचते गाते नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 97 की हाइलाइट्स या फिर यूं कहें कि वीकेंड का वार की हाइलाइट्स। अगर आप बिग बॉस सीजन 12 के हर दिन और हर एपिसोड की हाइलाइट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।